लगता है उन्होंने विकास किया इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में कुछ नहीं विकास किए हैं, कुछ विकास नहीं, कुछ नहीं किए। विधायक होते हुए 11 नंबर तक लेता है, कुछ पर मिलवो नहीं किया। जीतता है एक वोट से हार जाता है, और पब्लिक वोट नहीं देगा तो कैसे जीतेगा? राशन मिलता था जी, उस सारा काट के बंद कर दिया, हम दूसरा से राशन खरीद के खाते हैं। ये रोड का स्थिति यहाँ से लेके मिठनपुरा चौक तक पूरा बहुत हालत खराब है, बाइक के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलता है बड़ी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाखबर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। इस वक्त हम बोछा विधानसभा क्षेत्र के झपहा पंचायत में पहुंच चुके हैं। यहां पे जानते हैं कि आखिर जो 243 सीटों पर जो चुनाव होने हैं क्या माहौल है। और आपको बता दें कि 2015 में जो जीत कर आई थी इस क्षेत्र के विधायक के रहते हुए, क्या यहाँ पे कामकाज कितना हुआ, क्या वाकई जमीन स्तर पर विकास हुआ, सब कुछ बातचीत करेंगे और जानते हैं यहाँ पर कि आखिर जनता का माहौल क्या है। तो आइए, क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मीना देवी। मीना देवी, ये कौन सा गांव पड़ता है? ये उदन झपहा। बताइए, यहाँ विकास हुआ है क्या? कहाँ कुछ विकास हुआ है, रोड है। विधायक कौन थे? बेबी कुमारी। क्या लगता है, विकास हुआ है? बेबी कुमारी कहाँ को बराया है? इधर आ जाइए। ठीक है, क्या नाम है? सीताराम राम। ये बताइए कि यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक है बेबी कुमारी। क्या लगता है, उन्होंने विकास किया इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में कुछ नहीं विकास किए हैं, कुछ नहीं किए। विधायक होते हुए 11 नंबर तक लेता है, कुछ पर मिलवो नहीं किया। दाहर वाला में हाँ, नहीं मिला। कितना का नहीं मिला? यहाँ पे सड़क नहीं, तो बोलने को नहीं मिला दाहर वाला पैसा। हाँ, नहीं मिला है हमको। 10 नंबर में है तो हमको लोग नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? नहीं मिला है। हम तो सरकार के लगा कुछ चीज़ सबके मिल रही है, सबके मदद मिल रही है, हमारे सबके नाम मिल रहा था। हम तो कल पपड़े करे गरीब आदमी, हमरो ना मिला। इधर आइए, दूर से लीजिए, इसको रख दीजिए, अच्छा कवर होगा। ठीक है, ये बताइए आपका नाम क्या है? अरविंद कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुसहरी प्रखंड के। और ये जो विधानसभा आपका कौन सा पड़ता है? बोछा पड़ता है। यहाँ के विधायक कौन है? अभी वर्तमान में बेबी कुमारी है। क्या लगता है, ये जमीनी जीरो ग्राउंड पे काम किए हैं? नहीं, हर जगह पे ये जो है फेल्योर है यहाँ के बोछा विधानसभा क्षेत्र में। यहाँ इतनी भ्रष्टाचार दोनों प्रखंड में, मुसहरी और प्लस बोचहा, बगैर पैसे का कोई भी मतलब कर्मचारी हो, सीओ हो, वीडियो हो, काम नहीं करते हैं। और रह गए विधायक फंड की बात, तो विधायक फंड का बंदर बांट पैसा लेके 25% 30% कमीशन लेके उनके पति उमेश प्रसाद है उनके द्वारा किया जाता है। तो बहुत सारी सुविधाएँ जनता से बहुत दूर है, जनता तक नहीं पहुँच पा रही है। इसीलिए जनता का इस बार आवाज़ है कि बेबी को किसी भी हाल में हटाना है। इसको देखना चाहते हैं यहाँ से आप? यहाँ तो पूर्व में यहाँ से कई बार हमारे माननीय मंत्री जी रहे हैं, रमेश राव, उनके क्षेत्र में बहुत सारा रोड का या बहुत सारा काम हुआ है। लोग फिर एक बार उन्हीं को याद करना चाह रहा है कि उन्हीं को लाया जाए दोबारा। ठीक है, बेबी से काफ़ी लोग, महिला जन, सारे समाज में, सारे जाति में आक्रोश है। सारे लोग बेबी से काफ़ी आक्रोश है, क्योंकि अपेक्षा बहुत लेके आया था बेबी के साथ लोग बदलाव में, लेकिन वो अपेक्षा धरातल पे नहीं उतर पाया। जीरो मतलब ग्राउंड पे नहीं दिखा, काम नहीं दिखा गया। और कुछ बिचौलियों के बीच ही बेबी कुमारी। यहाँ पे बिजली कैसा है? बिजली का सुविधा तो अभी ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राकेश हुआ। रोड कैसा है यहाँ पे? रोड तो अभी मंत्री जी के रीजन में जो रोड था वही बना हुआ है, उसके बाद मंत्री जी जब चुनाव हार गए, बेबी के रीजन में कोई काम नहीं हुआ है, ना रोड ना नाला कुछ नहीं। आप वोट करेंगे? हम वोट करेंगे। किस पार्टी, किनको आप वोटिंग करेंगे इस बार? हम इस बार रमेश राम को वोट करेंगे। रमेश राम जी को जी। अच्छा, क्या लगता है वो जो बेबी कुमारी विकास 5 साल में क्या लगता है ग्राउंड पे? बेबी कुमारी 5 साल में ग्राउंड में जीरो मानिए उनको, वो जनता के बीच आई ही नहीं, जनता उनको जानती ही नहीं। अच्छा, जानती ही नहीं है? जानती ही नहीं। विधायक है तो जाइएगा जनता के पास, जब ही तो ना पहचान नहीं है, पहचान ही नहीं है ना, पहचान में मतलब जनता पहचानेगा जब, तो जनता तो पहचान ही नहीं रही है कि बेबी कौन है। विधायक है ठीक है, लेकिन उसको जानेगा, चेहरा दिखाएगी जब, तो वो तो दिखाई ही नहीं। तो इस बार मान लीजिए जो हमारे पूर्व मंत्री थे, क्या नाम हुआ आपका? संतोष कुमार ठाकुर, बेबी देवी से इस पंचायत के 100 आदमी का नाम। इसको देखना चाहते हैं यहाँ से इस बार? राम जी को
जी मंत्री जी को पब्लिक से भी पूछ लीजिए, यहाँ बेबी देवी से पूछिए कि 100 आदमी का नाम जानती है, गिने चुने लोगों का नाम जानती है बस। अच्छा ये बताइए यहाँ पे एक सरकार का जो फंड था वो हर घर नल का जल, इधर आइए ये बताइए हर घर नल का जल पहुंच पाया क्या? क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? मेरे नाम ताजदा खातून है। अच्छा ये बताइए आपके यहाँ इस क्षेत्र में हर घर नल का जल पहुंच पाया है क्या? नहीं नहीं नहीं, हम लोग के कुछ भी नहीं दिया। अच्छा कुछ भी नहीं दिया सर, मिलवे नहीं किया हम लोग के, मिलवे नहीं किया। यहाँ का विधायक बेबी देवी थी, कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया। पंचायत में एक रोज घूम के आए नहीं, कभी नहीं आए, वोट के समय आए थे ना, एक बार आई बस, फिर दोबारा नहीं। वोट ला हटावे के है रमई राम के जिताबे के है। हाँ किसको देखना चाहते हैं? रमई राम के। कभी बेबी कुमारी तो पंचायत में आई नहीं की है, तो उन लोग क्या करेगा पंचायत के, क्या देखा है? केकरो घर गिरा हुआ है, द्वार गिरा हुआ है, कोई खोजी पुछारी नहीं है। हम लोग के घर गिरा हुआ है, कैसे कैसे रहते हैं? कभी बेबी कुमारी पंचायत में आए हैं देखने? कभी भी नहीं। हम लोग वोट देंगे रमई राम के। वोट के समय प्रणाम करने के लिए आई है? प्रणाम पर आए पूछेंगे ना बेबी देवी से। वोट के बाद जरूर अपना तैयार रहें। किसको वोटिंग करेंगे इस बार? एमरी रमई राम के वोट देंगे। आप झपहा बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ अनिल कुमार मलाकार। आप झपहा मार्केट पे जाइए और उसका बीच का स्थिति देखिए कि वो रोड का क्या हाल है, इससे आप समझ सकते हैं कि अगला क्या काम किया। आप जाइए मार्केट, क्या लगता है वो विकास किए हैं क्या? विकास किए तो वही रहता, जो दिन में आदमी गिर जाता है बाइक से या चार चक्का के, तो बातें छोड़िए। आपके सामने से मार्केट में जाइए ना, वो रोड का हाल देखे क्या है। यहाँ पे जैसा कि आपने देखा कि बेबी देवी के प्रति यहाँ पे कहीं ना कहीं आक्रोश यहाँ पे लोगों के अंदर दिख रहा है, क्योंकि जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। और यहाँ के जनता का कहना है कि इस बार रमई राम को आना चाहिए। लोग जीतता है एक वोट से हार जाता है, और पब्लिक वोट नहीं देगा तो कैसे जीतेगा? बोलिए। मतदान करते हैं? मतदान तो करते हैं। कितने साल के हैं? कितने साल के हो गए? 60-65 के। 60-65 के। तो पोस्टल वैलेट से मतदान करते हैं, जो पत्र होता है पत्र से? हाँ, मतदान करते हैं पत्र से मतदान करते हैं। कैसे करते हैं वो? अगला लेता है, ऊपर अथी करके दे देता है, तो हम लोग गिराते हैं बक्सा में। मतलब बक्सा में गिराते हैं पहले? हाँ, आपको दे देता है? हाँ, पत्र से करते हैं। हाँ पत्र से करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। तो इस बार भी मतदान जोर और शोर से रहेगी ना? हाँ, तैयार है ना? हाँ तैयार है। नहीं करेंगे, समझ गए? बेबी कुमारी जो है जहाँ गली गली में है, जो है से बना है दोनपुर में, जो दुगो बात कहता है, गाली देता है, उसको बनाते हैं। लेकिन यहाँ कोई गाली देने वाला नहीं है, प्रेम भाव से इज्जत करने वाले आदमी है, लेकिन उनको कोई काम नहीं होगा। हमारा जापान में कब रहे हैं घूम के देखने के, यहाँ क्या वार्ड में क्या हुआ नहीं हुआ। कौन सा वार्ड में? 9 नंबर में। 9 नंबर वार्ड है, जापान उदन है, प्रखंड मुसहरी है। ये रमई राम का बनाया हुआ है ये रोड? हाँ ये रमई राम का बनाया हुआ है, झांकने भी नहीं आए हैं, समझ गए? आते हैं ना सीधे घूम के चले जाते हैं अगल बगल से, लेकिन बारह रात में एको दिन आए हैं कि हाँ क्या हमारा जनता का स्थिति है? नहीं है। नहीं, विधायक है बेबी कुमारी, एक बार आ जाए देखने के लिए। तो नहीं आए एक भी बार? नहीं आए हैं। कहाँ आए हैं? जब वहाँ पंचायत में आए हैं एको बैरी? नहीं आए हैं। अच्छा चाचा आप बताएंगे, ये बताइए कि बेबी कुमारी जो विधायक थी बोचहा की, आपके गांव में एक भी बार आई है कि चलिए चाचा को देख लिया जाए, इस गांव को देख लिया जाए? क्या है, आते हैं गाड़ी से, आते हैं चल जाते हैं वो बड़का दरबार तक। अच्छा वहाँ बतियाए चल जाते हैं भुवनेश्वर भद के दूरा पर, वहाँ बतियाते हैं कुछ कुछ अपन चल जाते हैं वैसे घुमाए। कुछ काम हुआ है चाचा यहाँ आपके गाँव में? नहीं हुआ है कुछ काम। नहीं मतदान करते हैं ना? कुछ नहीं करते हैं। आप मतदान करते हैं, वोट देते हैं ना? वोट तो देते हैं, लेकिन किसी का नहीं, जो जीतेगा उसी का डाल देंगे। कहाँ है चाचा नाराज चल रहे हैं? मतलब नहीं सुनिए ना, हमें राशन मिलता था जी, उस सारा काट के बंद कर दिया, हम दूसरा से राशन खरीद के खाते हैं। एक लड़का है वो चिवड़ा उड़ा मांग के कहीं से खियाता है, जो भूख मरता थी उसको वो खियाता है, फोटो खींच के रखे हुआ है, कहाँ देता है कोटा। तो आप शिकायत नहीं किए वार्ड से, मुखिया से, ब्लॉक से? मुखिया वार्ड है, लेकिन इस्माइल बाबू मर गया, लेकिन सब लेके चला गया। वो 22 वर्ष मुखिया था, कोई गरीब जो कह देवे कि हम 22 वर्ष में वो नहीं किया है से नहीं। अच्छा इस गांव का मुखिया का नाम क्या है? मुखिया का जी नाम है नंदलाल। नंदलाल सा, मतलब सुनते भी नहीं है मुखिया आपका इस गांव में? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जाएंगे तो कहेंगे आते हैं, आवेगा साँझ में।
अच्छा, क्या लगता है इस बार चाचा, इस बार किसका लहर है? अब किसका लहर है सही नहीं बतावेंगे अभी तो। लालू यादव को जानते हैं, नीतीश कुमार को जानते हैं, सबको जानते हैं, लालू के बेटा तेजस्वी को भी जानते हैं, सबको जानते हैं, हम तो जवाहरलाल तक के जानते हैं कि कैसा था। अच्छा, चिराग पासवान को भी जानते होंगे? सबको जानते हैं। तो कौन जीतेगा इस बार, किसको देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में? किसका वोट होगा से अभी नहीं राय विचार हुआ है, चुप्पे है लोग। अच्छा, अभी तो पहले गुल्ले हुआ है, बेचारा घूम कर अपना जाएगा, लेकिन काम तो करेंगे इस बार लग रहा है, जो यहाँ से जीत के आएंगे। देखिए, जिसका नसीब में होगा से जीतेगा, जिसका नसीब में न होगा से हारेगा। मतलब राशन का पैसा ना मिला था वो? ना, वोट देवल ना वोट वोट देखिए ना वोट तो देवे करे वोट पे उम्मीद रखा, अगर कोनो जीती तो जरूर तोहर मदद करी का लगा था ना कि विधायक एक बार आयल बाकी ना गाँव में कुमारी कुमारी हाँ, वे मुंशी भुवनेश्वर भगत के दूरा पर गए, रामकिशोर भगत के दूरा पर गए। अहाँ लोगों के ना पूछलन कि ठीक ठाक बाकी नहीं गाँव? हमारे से न एने न केकरो से वृद्धा पेंशन मिल बा ना? हाँ मिले तनका मन का, तनका मन का। हाँ, राशन कार्ड? राशन न मिले हमारे, राशन कार्ड बना हुआ लेकिन मिल नहीं रहा है ना। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिहल भगत। दिहल भगत? हाँ। अच्छा, ये कौन सा जगह है? झपा उदन। अच्छा, चाचा पता है ना विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है? हाँ। किसको करेंगे इस बार आप वोट? वोट जो पैसा देते तकर वोट। ये पैसा? जो पैसा देते ओकरे वोट। हमरा बुढ़ारी पिल से अथी न दिलक है दह हुआ आ नामी चल ना पर पैखाना टूटल फाटल बता दे क्यों हमारे सबके घरों दुआर न दिलक। मतलब आपको कुछ नहीं मिला? ना, एगो मिलैया वह कैसे सरकारी पैसा वे मोदी देवैया वो 400 के महीने बस और कुछ ना। वृद्धा पेंशन आपको मिलता है? हाँ, 400 मिलता है। हाँ, यहाँ छौरा छौरी के मिल रही है हमारे दहुआ पैसा को घर में पट पट मतलब? दहार अल ना दहर। अच्छा अच्छा, दहर का छौरा छौरी के छौरा सके छौरी सके मिल रही। हर परिवार परिवार को देना था 6000, वो नहीं आया क्या? सके ना बउआ। हाँ, लेना चला जहाँ ले चलवा तहाँ बोलो। यहाँ यहाँ के विधायक कौन है? अरे बेबी कुमारी। बेबी कुमारी वो कभी आई हैं इस क्षेत्र में? आलाई आलाई एक बेरी आलाई। और क्या समस्या है यहाँ पर बताइए? यहाँ के समस्या ये बउआ देखना ला मारे चकचका ही रोड चलना और समस्या बता दे छो चलवा तब ना बता दे। अच्छा, यहाँ पर नल जल का क्या मतलब ठीक ठाक है? हाँ, नल जल दे ले। नाम क्या हुआ आपका? सुदामा देवी। सुदामा देवी जी बताइए क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत है मुखिया साहब कुछ ना बोले यहाँ का मुखिया दोनों के कथी नाम है जी कथी नाम है मुखिया के। ठीक है, आप दिक्कत बताइए क्या सब मतलब? दिक्कत है जे कुछ सरकार घर से नहीं मांग मिल रहा है, गार्जियनों मर गया तो नहीं कुछ दिया हमको। वृद्धा वृद्धा मैं पेंशन आपको मिल रहा है? वृद्धा पिल से 1200 मिलेगा। 1200 मिल रहा है? हमारा मिले न घर न द्वार ही में रह। टूटल क्या नाम आपका? नाम क्या हुआ? हमारा नाम सावित्री देवी जी। बताइए क्या दिक्कत है? घर दिक्कत है, हमारा सके दहर वाला कुछ नहीं मिला है। आपको 6000 नहीं मिला है? ना, हमारा सके नहीं मिला है 6000। एक न मोदी वाला पैसा बेचा है, एको नहीं पैसा नहीं मिला है, कुछ वाला पैसा नहीं मिला, एक रुपया ना। आप इसको लेकर आप किसी को कहे नहीं है? यहाँ के विधायक कौन है? कहियो नहीं। विधायक यहाँ का कौन है? बेबी कुमारी। बेबी कुमारी? हाँ। वो कभी आती हैं आप लोगों को देखने? इधर आती है, इधर नहीं आती है। आप लोगों के पास नहीं आती है? नहीं आती है। देखिए क्या नाम हुआ? क्या नाम? नाम अजीत कुमार। हाँ बताइए। देखिए यहाँ पर आई थी बेबी कुमार, मुसविटला स्कूल है ना, वहाँ पर आई, वहीं से रोड टूटा उठा है इसीलिए वहीं से घूर के चली गई। और उधर कारी मेन रोड पर तक जहाँ तक नीमन था रोड वहाँ तक तर सत्तर बैठ उठी तैयार चली गई। इधर का ही तो आगो नहीं की। क्यों? क्योंकि इधर का ही रोड टूटा इसी वजह से, तो रोड बनवाना चाहिए कि नहीं? यहाँ पे रोड कैसा है मतलब? तो आइए जाए ना, आगे जाइए तो पूरा टूटा हुआ था। तो इधर आइए,
हाँ बताइए क्या आगे रोड टूटा हुआ था ना तो जाकर वो रोड वहाँ पर बना है थोड़ा उड़ा माटी उटी भर कर। यहाँ पे बिजली कैसा है? बिजली तो आता है, बिजली ठीक है, बिजली ठीक है। यहाँ पे हर घर नल का जल वो आ रहा है? नल का जल कहाँ, देखे ना वो टंकी बना हुआ है, यहाँ पे नल लगा हुआ है। पानी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है। पानी सीधा लगा, टंकी लगा हुआ है, बस वो सीधा लगा हुआ है सो में। अच्छा यहाँ पे सामने हम देख रहे हैं वो टंकी लगा हुआ है, बट वो शो में लगा हुआ है, सबसे फर्स्ट पर। मतलब हर घर नल का जल ये नहीं आया है, तो वो शो में लगा हुआ है ऐसे? शो में सीधे बस टंकी बांध के बस चालू, दो तीन दिन हुआ तेरा बाद बंद। चारों तरफ किधर अभी तक पानी बहता है तो कि उधर से बताया, कभी उधर से बताया, इधर गाड़ी तो अब बहवे नहीं करता है पानी, अंदर नल में पानी आवे नहीं करता है, पानी आता है जब नल चालू होता। क्या नाम हुआ आपका, नाम क्या हुआ इधर? नाम चंदन कुमार हुआ। हाँ बताइए। जब सर वो टंकी वो चालू होता है मोटर, तो पूरा रोड पे लगता है जो बारिश आ गया उस तरह से पूरा पानी रहता है रोड पे। और ये रोड का स्थिति यहाँ से लेके मिठनपुरा चौक तक पूरा बहुत हालत खराब है, बाइक के अलावा कोई गाड़ी नहीं चलता है बड़ी। क्या करते हैं अभी आप? कुछ नहीं, बस गाड़ी पे रहते हैं। बेरोजगार? बेरोजगार। वोट करेंगे इस बार? वोटिंग करेंगे आप? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं कोई जुड़वा देता है, जुड़वा पापा लोग जुड़वा देते हैं, वो काट के देता है। कौन काट देता है जी? वही फैक्स अध्यक्ष में ये अथी पावर है, वो कटवा देता है। सबसे ज्यादा आप जनता हैं। क्या हुआ? फॉर्म अभी भी वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाने के लिए फॉर्म भराया है, लेकिन नहीं जुड़ पाया। ये सब देखिए, ये सब कर 18 साल ऊपर हो गया, ये सब इधर आई, इधर आई, इधर इधर आई, इधर आई, इधर साल नहीं। ये क्या 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 नाम है? मनीष कुमार। क्या करते हो अभी आप? घर पे रहते हैं, पढ़ते हैं। घर पे रहते हैं, पढ़ते हैं। कितना उम्र हो गया आपका? 18 साल। 18 साल। तो वोट तो आप करेंगे इस बार? नहीं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। आपका भी नहीं है? नहीं। यहाँ पे जो जो लोग किन 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 लोगों के पास यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड नहीं है अभी? इधर है, इधर है। आपके पास नहीं है? आपके पास है? और कौन लोग हैं? कौन लोग हैं? और आपके पास क्या ये बना इस बार वोटर लिस्ट में नाम है? नहीं है। मेरा हमारे वार्ड में जो फार्म जो छोटा मोटा है गए है कहने के लिए नंदलाल मुखिया के आ जसीम है, वो कहता तेरा हमारे वार्ड में एगो फार्म नहीं जाएगा। अब वो दिन से मैंने फिर के झांकी नहीं पड़ता नंदलाल मुखिया आ जसीम। अच्छा एक बात लास्ट बताइए, यहाँ पे कौन कौन से समस्या और है? और कौन कौन से समस्या यहाँ पे? ठीक है, यहाँ टंकी नहीं चालू है, टंक एक पानी नल जल हाँ। और वोटर लिस्ट से नाम काट दिया जाता है हाँ। ये दो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हाँ। ये दो सबसे बड़ी दिक्कत है ना यहाँ पर, और रोड का भी समस्या है यहाँ पर। क्या क्या समस्या है? जो 5 साल से हम लोग जो जिनको चुने आज तक चेहरा तक नहीं देखे, माननीय श्रीमती विधायक जी को, हमने बेबी कुमारी जिसे कहते हैं, आज तक हम लोग फुल नाम भी नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है नहीं है। और यहाँ जो भी हम लोग अगर सोचते हैं कि विकास हो 5 साल में, तो हम लोग मूड बना लिए हुए हैं इस बार पूरा युवक और जो भी हो कि इस बार देखना चाहते हैं। इस बार हम लोग देखना चाहते हैं कि इस बार जो है बेबी कुमारी को जिस तरह हम लोग अचरा पसार के आई हुई थी, उस तरह जो है इस बार हम लोग घूंघट तान के जाने देंगे, मुँह छुपा के जाने देंगे पंचायत में। इसलिए कि जो झूठ बोल के हम लोग से ठग ली और ले गई वोट हम लोग से, जो उम्मीद में आज तक हमारे पंचायत में झपा पंचायत में कहते हैं 5 में, जो कि जहां तक कोई भी काम नहीं हुआ हमारा, आज तक सड़क के जो कहते हैं आज तक वो निर्माण नहीं कर पाई। बोचहा विधानसभा क्षेत्र के झपहा पंचायत का ये मामला है, और यहाँ पर रोड की भी समस्या है, इस गांव में रोड की भी समस्या है, और वोटर लिस्ट जितने भी युवा हैं, बहुत सारे यहाँ पे युवा हैं, उसका नाम काट दिया जाता है। मुखिया से इन लोगों ने कहा भी कि हमारा नाम ऐड कर दीजिए, बट वो मुखिया भी यहाँ के टाल रहे हैं। और यहाँ पे हर घर नल की भी समस्या है, तो बहुत सारे यहाँ पे समस्या है। यहाँ पे आप बताएंगे कि नल जल का कुछ बताएंगे? यहाँ पे नल लगा हुआ है क्या? नल लगा, कहाँ लगा हुआ है थोड़ा बताइएगा, थोड़ा बताइए, थोड़ा आइए बताइए जरा जी, इधर आ, इधर आइए, इधर पानी नहीं आ रहा है जी? जी ना, पानी नहीं है, जनता पानी पी रही है, टंकी में पानी ही नहीं है।
तो मतलब शो में वो टंकी लगा हुआ? हाँ, शो में टंकी गाड़ के चली गई, वो दिन से चालू नहीं भैया। और पानी पानी नहीं आता? कब से ये समस्या है? ये साल दो साल से समस्या। हाँ, टंकी गड़ाते यहाँ से चालू नहीं। ये हर घर नल का जल कहीं कहीं नहीं पहुँच रहा है? ना, नल जल पहुँचा हुआ है, बाकी चालू नहीं है। आधा काम बाकी, आधा हो चुका है। ठीक है, मतलब यही दाही भेला। जगह बताइए पहले, जगह 13 नंबर वार्ड डी झपहा। मतलब झपहा डी में दाही अलग, मतलब जो वो 6000 में 1000 रुपया ना भेटल, ना रोड है चले ला, ना खाने के लिए कुछ दे रहा है, ना इंदिरा आवास बुढ़ा गए ना भेटा, तो कौन चीज ला हम लोग सब विधायक ला मरेंगे? कोई चीज गरीब के हमको सके साधन नहीं है, मिलबे नहीं करेगा तो काहे वैसा काम करेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग शिकायत मुखिया से, वार्ड से, ब्लॉक में जाके शिकायत नहीं किए इसका? ना, ब्लॉक में हमको ले जाएगा मुखिया सरपंच, तब ना जाएंगे अपने कोई देखता है? जब वोट आता है ना, गरीब सब जाता है वोट देने के लिए, तो सबको देखना पड़ता है ना। और कोई समस्या? ये रोड सजा खराब है तो कहाँ कोई किसी को? आप देख सकते हैं कि वाकई इस गांव में, जैसा कि जनता के द्वारा सुनने को मिल रहा है, ये वाकई यहां पे रोड काफी खराब है। हम जब यहां पे पहुंचे, हमारी टीम, महाखबर की टीम यहां पे पहुंची इस गांव में, इधर दिखाइए थोड़ा सा, हमारी टीम अगर इस गाँव में पहुंची, महाखबर की टीम, तो हमने यहाँ पाया कि यहाँ रोड की स्थिति जर्जर है। इसके साथ साथ यहाँ पे पानी का टंकी तो लगा हुआ है, लेकिन नल तो लगा हुआ है, टोटी खड़ा है, लेकिन नल जल जो योजना है, वो नल के द्वारा जो पानी आता है लोगों को पीने, जो गर्मी से लोग तरस जाते हैं उस पानी को पीने के लिए, हालांकि ये कल से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन नल जल योजना जो सरकार की है वो विफल है। यहाँ पे आपको कि बोछहा विधानसभा क्षेत्र में बेबी कुमारी 2015 में कितना विकास किया है? बेबी कुमारी का 0 विकास है, इसलिए जनता जितना वोट से जिताई थी, लगभग 25,000 वोट से, उसे दुगुना वोट से आदरणीय रमई राम जीतेंगे। रमई राम जी जीतेंगे? बिल्कुल। क्या कहते हैं आप? हाँ, रमई राम जी जीतेंगे। हेलो, हमारा कहना है कि बेबी कुमारी 5 साल में कोई काम नहीं कर पाई, ना कोई पुल बना, ना पुलिया बना, ना कोई रोड बनी, कुछ नहीं बना। और बोछहा विधानसभा में रमई राम एक भगवान की तरह वो है, और जनता का दुख दर्द समझते हैं, और हर घर पर ही नहीं, वह जनता के घर पर भी जा करके उसका दुख दर्द हाल चाल लेते हैं। क्या लगता है कि रमई राम जी को इस बार टिकट मिलेगा? टिकट उनको अवश्य मिलेगी, क्योंकि वो वरिष्ठ हैं, उनकी प्रतिष्ठा है, वो कोई माने दलबदलू नेता नहीं है। क्या माहौल है बोछहा विधानसभा क्षेत्र का, क्या लगता है आपको इस बार? अभी बहुत अच्छा विधायक, एक विधायिका जो है बेबी कुमारी, एक भी बार आई है घूमने यहाँ पे? कभी भी नहीं आए घूमने, और उन्हीं के कारण रमई राम जी को स्वतः जो है जनता की तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, और 1971 से बराबर विधानसभा जीतया है, हर गाँव में हर आदमी को जानते हैं, और सबका नाम से कोई गाँव बाकी नहीं जिसका नाम नहीं जानते, हर गाँव में 10-15 आदमी का नाम बता देंगे कोई इस क्षेत्र का हो। क्या लगता है, क्या लगता है क्या माहौल है बिहार विधानसभा चुनाव का? क्या लगता है कि जो यहाँ की जो विधायिका है, विधायक की बात करेंगे, बेबी कुमारी कभी आई है यहाँ पे एक भी बार देखने क्षेत्र में कि चलो देख लेते हैं कितना विकास हुआ है? चलते रोड पर चली जाती है बस, और कुछ नहीं उसका। तो इस बार आप बदलाव चाह रहे हैं? और क्या क्या लगता है आपको? हमारे मंत्री जी बहुत सारा काम किए हैं क्षेत्र में, स्कूल, पुल, पुलिया, रोड वोड सब बनवाए हैं। हम लोग बोछहा का नेता मंत्री जी को जिताने का काम करेंगे, हमेशा वो काम किए हैं और करेंगे, इसके लिए हम लोग उनको जीते। तीन पुल इनके टाइम में जो है यहाँ छनवारा घाट, उसके बाद आथर में और एक पिलखी में, जो कभी भी नहीं था, इन्हीं का देन है कि जो बन गया है, और कामयाब है। दक्षिणी उत्तरी पर गंडक नदी को उत्तर दक्षिण बांटे हुआ था, जो अब एक हो रहा है, यही है हाल उनका। चलिए, बोछहा विधानसभा क्षेत्र का आप देख रहे थे माहौल, तो आप बने रहिए महाखबर के साथ, लगातार कवरेज जारी है, देखते रहिए महाखबर।